हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी वेंचर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी टाइम हुआ है 9:31 PM और हम कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि कल हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। तो गाइस, मेरा पिछला एक ब्लॉग में मैं आप लोग को बताया था कि मैं तीतापुरी नाम का एक जगह में ट्रैकिंग जाने वाला हूँ, लेकिन प्लान में थोड़ा बदलाव आ गया। अभी हम लोग दूसरा एक डेस्टिनेशन पे जाएंगे, उसका नाम है रिउतला। तो पहले उसको पहुंचने के लिए हम लोग को सिंघा विलेज में तुतिंग से जाना पड़ेगा, और वहां तक हम लोग बाइक से जाएंगे। और सिंघा विलेज से रिउतला तक 2 दिन का ट्रेकिंग रास्ता है। तो अभी मेरे साथ है ये लॉरेंस भाई, जो चंडीगढ़ से आज ही पहुंचा है, और साथ में ये मेरा भाई भी आया। ये देखो, लाइट पकड़ के रखा है। गाइस ये देखिए, अभी यहाँ पे वोल्टेज बहुत ही कम है, इसलिए ये लाइटिंग एडजस्टमेंट कर हाँ रहा हूँ। एडजस्टमेंट के लिए मेरा भाई ये पकड़ के दे रहा है। तो गाइस, उसके लिए ये ट्रैकिंग के लिए बहुत मतलब सामान अरेंज कर रहा था, मतलब क्या क्या हम ले जाएंगे, और साथ में कुछ मेरा सामान भी आया हुआ है। आज ये भाई लेके आया था, तो उसको आज हम अनबॉक्स करके देखते हैं, और आप लोग को भी दिखाऊंगा क्या क्या सामान ये ट्रैकिंग पे हम लोग ले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो ये सब है सारा सामान। ये देखिए, पूरा रूम एकदम मेस होके रखा है सामान से। अभी तक पैकिंग शुरुआत ही नहीं किया हूं। तो ये बैग लेके जाऊंगा, ट्रैकिंग बैग, ये डेकालोन से लिया था। और गाइस, ये है रेन कोट, ये भी डेकालोन का ही है, और उसका ये रेन पैंट्स। और साथ में गाइस, यहाँ पे जो ये ट्रैकिंग रूट है ना, उसमें कोई जो बूट्स काम नहीं आता है, तो यहाँ पे ये सब लोग ये गाम बूट्स ही यूज करते हैं। ये देखिए, ये भी रेडी है। और ये है पिलो, ये इन्फ्लेटेबल है, इसमें हवा डाल के मतलब हवा डालना पड़ता है, सेल्फ इन्फ्लेटेबल है। और साथ में ये जो ट्रैकिंग पोल्स है, अभी आप लोग को दिखाते हैं ये जो सामान मेरा आज आया हुआ था, तो इसको चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं। गैस पहले इसको देखते हैं, ये है स्लीपिंग बैग। तो ये भी हम डेकल्लॉन से लिया था, ये 15 डिग्री तक का है। चलिए इसको खोल के देखते हैं, और इसका प्राइस है 2500। इसका मॉडल का नाम ट्रैक 500 था क्या, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये है मेरा स्लीपिंग बैग। और गाइस, अभी हम लोग तो थोड़ा लेट ही हो गया, क्योंकि इसका जो ट्रैकिंग का पीक सीजन था वो जुलाई और अगस्त को था। उस समय मतलब पूरा उधर फूल खिलता है, तो अभी हम तो मिस करेंगे उसको, और अभी ठंड भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए स्लीपिंग बैग हमको ले जाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, इसका डेकाल्लॉन का जो इसका ब्रांड है 4+, को खोल के देखता हूँ। ये थोड़ा मम्मी स्टाइल डिजाइन का ट्रैकिंग ये स्लीपिंग बैग है गाइस। ये ट्विनेबल भी है, मतलब इसको आप दोनों ऐसा टाइप का सेम इसका जो सीरीज है, तो ऐसा दो स्लीपिंग बैग आप साथ में इसको ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस जिप्स। ये जो जिप्स है, तो इसमें एक बार घुस के देखता हूँ। सही, अभी तो उधर उतना भी ठंड नहीं होगा, ये 15 डिग्री सफिशियंट होगा मेरे ख्याल से। तो ये ऐसे होता है, बढ़िया। तो इसको गैस यहाँ से आप ट्विन कर सकते हो, ये 6 इंच से दूसरा है, और एक स्लीपिंग बैग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सही है, ये कॉम्पैक्ट भी है। बाकी जो कैंपिंग वाला स्लीपिंग बैग है वो भी मेरा पास था, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है बहुत ही बड़ा है, तो बहुत ही स्पेस खा जाता है, इसलिए मैं और एक एक्स्ट्रा ये वाला ऑर्डर करना पड़ा। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं अभी। चलिए ये खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो वैसे आप देख सकते हो, ये भी हम डेकल्लॉन से ही ऑर्डर किया हूँ। वेरी बिग फैन ऑफ डेकालोन, जो भी एडवेंचर का गियर है मैं उधर से ही लेता हूँ।
इसमें क्या क्या है। ओके तो गाइस ये मैं क्लॉक्स ऑर्डर किया था, ये यहाँ पे तो ऑल ईयर राउंड बारिश ही होते रहते हैं, तो इस वजह से ये क्लॉक्स ऑर्डर किया हूँ। पहले ये क्लॉक्स को देखते हैं साइज सही है कि नहीं। ये बारिश वाला इलाका के लिए, जगह के लिए सही है, फिटिंग भी बढ़िया है, फिटिंग एकदम परफेक्ट है, सही है ना। ओके तो इसको लिया था 800। अभी दूसरा गाइस ये है ट्रैकिंग एक पेंट है और हाइकिंग का है ये पेंट, ठीक है इसको बाद में पहन के देखूंगा। और इसका मैं पहले भी ये ब्लैक, इसका ब्लैक कलर मैं ले चुका हूँ तो वो भी अच्छा लगा, इसलिए मैं फिर से इसको ऑर्डर किया। ये दूसरा कलर में ये है ग्रे कलर, इसको भी साइड में रखते हैं। अभी नेक्स्ट वाला पैकेज खोल के देखते हैं। ऑलराइट गाइस, सबसे मेरा एंटीसिपेटेड प्रोडक्ट ये था, इसको मतलब जरूरी था ही, ये है स्लीपिंग मैट्रेस। ये भी इन्फ्लेटेबल है, इसमें मतलब हवा डालना पड़ता है, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। और इसका प्राइस यहाँ पे लिखा है 399 4000, इसको मैं 3000 में लिया था शायद। तो ये देखिए ये सुपर कॉम्पैक्ट है, इसलिए इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा है। और ये उसका अगर बाय चांस ये पंक्चर हो जाता है तो ये पंक्चर किट है, इसको ऐसे मतलब सील कर सकते हैं पंक्चर को, वो भी संभाल के रखना पड़ेगा। सो दिस इज माय ट्रैकिंग मैट्रेस। तो ये साइड ये नीचे में रहेगा, यहाँ पे ये देखिए कुछ रबर का ये कोटिंग दिया है ग्रिप के लिए, ताकि आप जब पेन या कहीं सरफेस में सोओगे तो ऐसे स्लाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका वेल्व है, यहाँ पे साफ लिखा है इन और आउट, यहाँ से अंदर हवा मतलब डालना पड़ेगा, आई मीन फूकना पड़ेगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। काफी हो जाएगा सही, ठीक है इसको बंद कर देते हैं और एक बार इसमें लेप के भी देखते हैं ना। इसका लेंथ भी सही है, ये बस सिंगल पर्सन के लिए है, ऐसे लेते हैं। इसका लेंथ भी सफिशियंट है ना, सही है, बढ़िया मस्त एंड कंफर्टेबल भी है। अब इसको डिफ्लेट करके देखते हैं। कैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो भी सकता है, लंबा तो होगा ही क्योंकि और भी सारा और भी दूसरा सामान आप लोग को दिखाना बाकी है। तो देखिए यहाँ से ये हवा निकल ही गया, तो इसको प्रेस करना है अभी। ठीक है ये ऑलमोस्ट डिफ्लेट हो ही गया, इसको बाद में कंप्लीटली इसको फिर से पैक करूंगा डिफ्लेट करके, इसको भी साइड में रखते हैं। अभी दूसरा आइटम क्या है, तो ये है मेरा ये जो अभी जो ट्रैकिंग बैग ले जाऊंगा उसके लिए रेन कवर है, और इसका प्राइस यहाँ पे लिखा है 499, लेकिन मैं इसको 399 में लिया था। ओ ये अटैच है साथ में, ये सही क्या, क्योंकि ये गायब होने का चांस भी रहता है ना, साथ में अटैच हो गया तो ये सेफ रहेगा, सही नहीं जाएगा। तो ये है 40 लीटर तो 60 लीटर वॉल्यूम का ये रेनप्रूफ कवर है,
इसको बाद में उधर जब सामान मतलब डाल दूंगा उसके बाद एक बार लगा के देखूंगा ये फिट होता है कि नहीं। फिट तो होना चाहिए। वो जो बैग है वो 6 लीटर का है और ये 40 से लेके 6 लीटर का बैग के लिए है। तो नेक्स्ट वन इज गाइस ये देखिए, ये है हेड, ट्रैकिंग हेड, और ये वाटरप्रूफ भी है। और इसको लिया था 1000, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे 1300 लिखा है, लेकिन इसको लिया था 1000। चलिए मैं फर्स्ट टाइम ऐसा वाला हेड लेके देखा हूँ। चलिए पहन के देखते हैं ना, इसको खोलना पड़ेगा। कौन सा साइड है उसका आगे वाला? और ये वाला। और इसमें ये भी टाइट कर सकते हैं स्लाइड करके। बढ़िया, अभी पूरा टाइट हो गया। सही है, बहुत ही लाइट वेट है गाइस। इसको आराम से आप फोल्ड कर सकते हो, देखिए ऐसे आपका पॉकेट में भी घुस जाए। और ऐसे छू के तो मटेरियल से नहीं लगता है ये वाटरप्रूफ है, लेकिन इस उसका फीचर में मैं देखा था वाटरप्रूफ है बोल के, इसीलिए मैं लिया हूँ। ओके, तो अभी आप लोग को दिखाऊंगा अभी क्या बाकी है। इसको तो आप लोग को बता रहा है, ये भी इन्फ्लेटेबल वाला है, ये पिलो है। और ये है इसका ट्रैकिंग पोल। और इसको गैस लिया था, ये एकदम सबसे बिगिनर वाला प्राइस है। इसको 600 लिया था शायद। तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए होल्स है, तो इसमें इंसर्ट कर देते हैं, उसका एक बटन टाइप का है, निकाल लिया। ये हो गया। और यहाँ पे भी ये दूसरा एक पोर्शन है। ऑलराइट, तो ये हो गया तैयार। और एक मेरा पास पहले से ही पड़ा हुआ था, तो ये दोनों सेम ही प्रोडक्ट हैं और कलर भी सेम है। ओके, तो अभी हम लोग जो ये भी एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, तो ये उसका जो ट्रैकिंग रोड है बहुत ही अपहिल है, एकदम सीधा ऐसा है। तो इसीलिए मतलब बहुत ही एफोर्ट लगेगा। साथ में हम लोग का बहुत सारा सामान भी है, ये बैग भी बहुत बड़ा बड़ा है, और ऊपर से ये जो एनर्जी ड्रिंक और साथ में बहुत सारा खाना भी लेके जाना है हम लोग को, चावल और आलू वगैरह, तो इसलिए बहुत भारी होगा। तो ये बहुत ही मदद करेगा चढ़ते वक्त, एनर्जी थोड़ा बचाएगा, इसलिए इसको भी ऑर्डर कर लिया। और एक सामान था गाइस, ये देखिए इसका नीचे में एक कैप लगा सकते हैं, तो इसका कैप भी ऑर्डर किया था। कहाँ गया? ओके, तो ये है इसका नीचे, ये ट्रैकिंग पोल का कैप। तो इसको लिया था 200 लिया था शायद। इसको भी खोल के देखते ना लगा के। तो ये देखिए ये रबर का है, ये भी सेम मटेरियल है शायद, सेम है। ओके, ये देखिए गाइस, इसको जब हम लोग खरीदते हैं तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे आते हैं विदाउट कैप्स। तो कैप लगाने से क्या होता है, एक तो है ये कहीं ज्यादा कीचड़ में नहीं फंसता है, और ऊपर से ये जो ये एल्यूमिनियम का टीप है, तो ज्यादा क्लैंकिंग साउंड होता है रॉक्स में, तो इसलिए ये लगाने से ज्यादा नॉइज भी कम होगा और ऊपर से ग्रिप भी ज्यादा होगा। ऐसे लगाते हैं इसको, बस प्रेस करना है। तो ये हो गया तैयार हमारा ट्रैकिंग पोल टिप। ये देखिए अभी आवाज भी कम कर रहा है ना, इसका ये थोड़ा वेयर आउट हो गया है, इस वजह से ये ज्यादा आवाज कर रहा है। ये देखिए इसका फुट तो फुट है ना, इसलिए ये आवाज नहीं करते है ना, ये ज्यादा आवाज कर रहे हैं क्योंकि इसका ये फूट गायब हो गया। और क्या बाकी रहा,
बस इतना ही। और गाइस साथ में तो हम रेनकोट पहनेंगे और ऊपर से ये उसका बैग का कवर भी होगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये प्लास्टिक शीट भी लिया है बाई चांस अगर बारिश ज्यादा हो गया तो, क्योंकि उसमें बैग के अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी घुस गया, ये स्लीपिंग बैग अगर भीग जाएगा तो बाद में दिक्कत होगा, तो इसलिए हम लोग ये प्लास्टिक शीट लिया है और उसको ऊपर में पहनेंगे। यही था ना, ये तो खोला ही नहीं, इधर है। तो ये देखिए गाइस, ये प्लास्टिक शीट को हम लोग यहाँ पे ये एक होल किया हुआ इधर पहनने के लिए, तो ऐसे बैग इसके अंदर ही रहेगा और साथ में तो रेनकोट भी रहेगा। और अभी भी यहाँ पे अभी आज क्या तारीख हो गया है, सितंबर 12, अभी सितंबर हो गया है गाइस, लेकिन अभी भी मतलब बहुत ही जबरदस्त बारिश होता है इधर, तो इस वजह से ये सब ऑलरेडी मतलब रेडी करना पड़ा ये भी इन केस ऑफ हैवी रेन। ऑलराइट गाइस, ये ब्लॉग में बस इतना ही, आप लोग को मैं दिखाया मेरा क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या सामान मैं लिया हूँ ये ट्रेकिंग के लिए, और कुछ मतलब सामान जो आज आया था उसको भी अनबॉक्स करके दिखाया। तो गाइस कल हम लोग सुबह ही निकलेंगे, अभी तो प्लान किया हूँ 6 बजे सुबह निकलने के लिए, देखते हैं। अभी हम लोग पहले जैसे कि आप लोग को बताया तूतिंग से हम लोग सिंगा विलेज तक बाइक से हम लोग को जाना है, सो विश अस ए हैप्पी एंड सेफ जर्नी। तो उसका भी मैं आप लोग को व्लॉग दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। सो गाइस इस तुम्हें चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन माई नेक्स्ट व्लॉग।